आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। राज्य सरकार आम जन अर्थात लगभग 13 करोड़ आबादी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है, इसलिए इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता दी गई है। आप अवगत हैं मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार, महिलाओं के पोषण स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार का संकेतक है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है माननीय मंत्री जी, उपलब्धि माननीय मंत्री एक मिनट माननीय सदस्यगण, अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सभी दलीय नेता को समय मिलेगा, आप अपनी अपनी बात रखने का काम करेंगे। इस तरह से सदन में नहीं, इस तरह से हंगामा करना सदन में उचित नहीं है। आपको सारे दलीय नेता को समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। सभी दलीय नेता को अभी तुरंत समय मिलेगा, आप लोगों को, आप लोग बैठ करके अपनी बात बताने का काम कीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट के लिए क्या, आप लोगों के तुरंत समय मिलेगा। सभी दलीय नेता को, आप लोग अपनी अपनी स्थान पर बैठ जाए, विशेष आग्रह, आप लोग बैठिए सबको। माननीय मंत्री जी, आप अवगत हैं कि मृत्यु मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार, महिलाओं के लिए पोषक स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार का संकेतक है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है अततन उपलब्धि प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के आंकड़ों के अनुसार 2015-17 एवं 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट हुई है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक रही है। इस प्रकार बिहार में मातृ मृत्यु दर की गिरावट की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार किसी भी राज्य के लिए बेहतर लोक सेवाओं का आईना है। संस्थागत प्रसव के मामले में जहां बिहार 2005-06 से 2019-20 की अवधि में 56.3% अंक की वृद्धि हुई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 49.9% अंक की वृद्धि हुई। यह बिहार के उत्तम स्वास्थ्य सब अवरचना की द्योतक है। बिहार के प्रति क्षेत्र में सबको बुलाएंगे, बैठिए सबको बुलाएंगे। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय एवं माध्यमिक स्कूलों पर स्तरों पर ड्रॉप आउट में भारी गिरावट दर्ज हुई। वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा में 33%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 39.4% एवं माध्यमिक स्तर पर 40% की गिरावट दर्ज हुई, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर का उत्क्रमित करने का निर्णय लिया। नए सभी आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर तक की शिक्षा के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर राज्य सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, विद्युत वाहन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक लर्निंग इत्यादि आधुनिक तकनीक विषयों को समाहित किया गया। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम एवं और अनुकूल बनाने, प्रबंधीय कार्य और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहित ओलंपिक प्रतियोगिता में स्पर्धा के तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वर्णिम विकास के लिए प्रयोजित करना,
कला संस्कृति तथा युवा विभाग से अलग एक नया विभाग खेल विभाग का गठन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के तहत संचालित जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत सघन अभियान चलाया जा रहा है। जीविका ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण आपसे आग्रह है, कृपया शांति पूर्वक बैठ जाइए अपने जगह पर। वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेख प्रदर्शन किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। सामुदायिक गोलबंदी एवं स्वच्छता अभियान में जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। सात निश्चय के तहत हर घर नल जल का योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 100% हो गया। इस योजना से प्रभावित होकर 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका जिला शामिल है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचांक 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। अवधि में राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। बिहार जाति आधारित गणना 2022 सभा के अंदर कोई माननीय सदस्य वीडियो नहीं बनाएंगे न मोबाइल चलाएंगे। 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए 65% यथार्थ, अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अति पिछड़ा समाज के लिए 25% और पिछड़ा समाज के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू है। इसी प्रकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन के कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड मैप लागू किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया का व्यय का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197
1.36 लाख मैट्रिक टन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से आने वाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए, जिनके उत्थान के लिए परिवार से कम एक सदस्य को लघु उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपया अनुदान देने की स्वीकृति हुई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है और यह श्रम संघन क्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र के स्वर्णिम विकास हेतु निवेश की प्रोत्साहन हेतु प्रायोजित बिहार पर्यटन नीति की गई। श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही आधारित है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपया तक के लिए निवेश पर 30% की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक किसी निवेश पर 25% की, इसके साथ साथ सब्सिडी प्रति 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ तथा 25 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण, भूमि हस्तांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक 100% की छूट का प्रावधान किया गया। साथ ही राज्य सरकार ने SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग तथा राज्य में ISDM उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर राज्य को देश में ISDM कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु बिहार IT पॉलिसी 2024 लागू की गई। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस नीति का उद्देश्य IT क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी योजना के अवसर सृजन करना, इसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं अस्थायी कौशल प्रशिक्षण तंत्र विकसित करना। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण क्षेत्र की दिशा में हमारी सरकार संवेदनशील है। राज्य में ऊर्जा नवीकरण सहित परिवहन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाकर एक बड़ी पहल की गई। हमारा उद्देश्य है बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में एक मॉडल राज्य के की तरह स्थापित किया जाए। इस नीति के अंतर्गत 10,000 वाहनों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर 5,000 प्रति किलोवाट अधिकतम 10,000 रुपया, ये पहले 1,000 वाहनों के लिए हर 4 पहिया वाहन यात्री पर 10,000 रुपया प्रति किलोवाट, समान श्रेणी के लिए 1.25 लाख रुपया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपये की क्रय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सरकार 2 पहिया 4 पहिया यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर 75% तथा शेष
शेष श्रेणी के वाहनों पर 50% छूट भी दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चार्जिंग केंद्र के उपकरण की खरीद के पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नवीकरण ऊर्जा स्रोत अर्थात जल विद्युत और तथा सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने स्थान पर बढ़ जाइए। 2015-16 नवीकरण स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक 35% करने का लक्ष्य है। बिहार में औद्योगिक वाणिज्य के कृषि उत्पादन इत्यादि बिजली के कनेक्शन में तीव्र गति वृद्धि परिणाम स्वरूप घरेलू कनेक्शन का अनुपातिक हिस्सा लगातार घट रहा है, जो दर्शाता है कि उद्योग और व्यापार में निवेश आकर्षित हो रहा है। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए बदलाव में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन तथा हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी 2024 में बिहार भ्रमण किया गया और इसकी सराहना की गई। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में माननीय सदस्यगण संगन बहुत ही गलत बात है। छेड़छाड़ जयदेव मार्शल के साथ मत किया कीजिए। अपने अपने स्थान पर जाकर बैठिए। गलत बात है एकदम। आपको समय मिलेगा, अभी समय के बाद अपनी बात रखिएगा। समय के बाद रखिएगा अपना अपना बात बोलिए। मैं सदन की प्रसन्नता के साथ ही अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में राज्य सरकार के संगन अनुसरण और समीक्षा के परिणाम स्वरूप 2022-23 में बिहार में बैंकों ने 2.4 लाख करोड़ रुपया के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 2.21 लाख करोड़ रुपया मतलब 108% का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2021 वर्ष के वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 1.61 लाख करोड़ रुपया से 37.1% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2.21 लाख करोड़ रुपया हो गया। बिहार के बैंकिंग क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व उछाल है। यह राज्य सरकार राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मैं सदन को बताना चाहता हूँ, राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग ने GST सहित वर्ष 2022-23 के 35,887 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 34,269 करोड़ रुपया का कर संग्रह किया, जो लक्ष्य का 95.4% है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास की समृद्धि और समावेशी बनाने के लिए वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 63.46% राशि विकास मूलक मदों में तर्नाकित किया गया है। साथ ही आमजनों के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 2,78,425.25 करोड़ का व्यय अनुमानित किया गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 61.56% मतलब 1,71,601.2 करोड़ रुपया राशि अनुमानित किया गया है। पुनः सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर करने के लिए 29,415 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो पहले बैठाइए संपर्क बैठाइए पहले सब 24 की तुलना में 158 करोड़ रुपया अधिक है। मुझे कुल मिलाकर सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राज्य में वित्तीय संतुलन बरकरार है। इसके प्रमुख संकेतक राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत उपार्जित करने का लक्ष्य है। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के
11,288.21 करोड़ के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024-25 में 1,121 करोड़ रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात 5.5% से घटाकर वर्ष 2024-25 में 2.98% रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ, फिजिकल करेक्शन पथ पर अग्रसर हेतु उच्च आर्थिक विकास रखा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, विकसित बिहार के कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015-20 में 7-1 एवं वर्ष 2020-25 के तहत 7-2 वर्ष 2020-25 तक कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। 7-1 के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली निश्चित रूप से प्राप्त लक्ष्य किए जा चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार देश का पहला राज्य बना है। 7-2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,040 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। अब मैं 1 और 2 की उपलब्धियों संक्षेप में सदन में रखता हूँ। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 30-1-2024 तक वितरित ऋणों की राशि 4,766 करोड़ रुपया है और 2,58,888 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता उपभोक्ता योजना के अंतर्गत 969 करोड़ की राशि का कुल 6,93,910 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुशल युवक कार्यक्रम के अंतर्गत 16,72,945 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 83,533 प्रशिक्षित रत हैं। वर्तमान में 1,654 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखंड आच्छादित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में संक्षेप कर दें। सभापति महोदय, सभापति उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की हम जनता को जानकारी देते हुए 2024-25 के सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वित्तीय आयोग, जिसमें राज्य आपदा राज कोष लगभग 1,639 करोड़ रुपया, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4,114 करोड़ रुपया, शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के लिए 2,119 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को अनुदान के लिए 1,249 करोड़ रुपया, कुल 52,190 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी सरकार की उपलब्धि तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रम को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। कुल राजस्व प्राप्त होंगे 2023-24 में 2,14,494.26 था, जो बढ़कर 24-25 में 2,26,798.4 रहेगा। राज्य सरकार का राजस्व जो पिछले साल 2023-24 में 56,981.89 वो बढ़कर 2024-25 में
61,625.86 रहेगा। संघीय करों में जो राज्य का हिस्सा होगा इस साल 2023-24 में 1,02,737.26 है, जो बढ़कर 2024-25 में 1,11,011.92 का प्रावधान किया गया है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 2023-24 में 54,775 करोड़ रुपया है, वो बढ़कर 52,160 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। राजस्व व्यय 2,50,023 करोड़ रुपया 0.82, उसी को वो बढ़कर 2,25,677 करोड़ रुपया हो जाएगा। राजस्व बचत 35,000 करोड़ रुपया 35,529.56 करोड़, वो आगे जाकर जो बचत है घाटा जो होता है उसमें माइनस में जो बचत होगा बिहार के बचत में -1,121.4 करोड़ हो जाएगा। तो कुल जो राजकीय कोष घाटा होगा वो अभी तक जो है 76,465 करोड़ है, वो घटकर 29,095.43 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने मेरी भाषण को तो पूरा नहीं सुना, लेकिन जो पूरे बिहार के विकास की चिंता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है उसके लिए पूरा सदन से मैं आग्रह करूंगा कि इस सदन में मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और मैं वर्ष 2024-25 की आर्थिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित करता हूं।